हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल कॉम्पिटिशन वाइट्स। एंड आज हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पे एमसीक्यूज कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने 4 वीडियोस कवर कर लिए हैं जिसमें हमने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। एंड आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि कल वीडियो नहीं आई थी तो इसलिए आज हम 10 की जगह 20 क्वेश्चंस करेंगे एक इस वीडियो में। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इन वीडियोस का पीडीएफ चाहिए, इन एमसीक्यूज़ का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है या कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। सो जैसा हमने ये यूट्यूब चैनल अभी शुरू किया है, और हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, तो हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। सो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, हु प्रोपाउंडेड द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। किसने सीखने के शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किसने फाउंड किया था क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग को? नंबर 1 स्किनर, नंबर 2 पावलो, नंबर 3 पियाजे या नंबर 4 वाइगोत्स्की। इनमें से किसने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग को प्रोफाउंड किया था? पावलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग को प्रोफाउंड किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 पावलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का उत्पाद नहीं है? इन ऑप्शंस में से कौन सा लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है? नंबर 1 स्किल, नंबर 2 नॉलेज, नंबर 3 मैच्योरेशन या नंबर 4 फिजिकल स्ट्रक्चर। मैच्योरेशन जो है, मतलब थर्ड ऑप्शन 3, ये लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज, बच्चे का विकास का क्षेत्र क्या है? नंबर 1 फिजिकल डेवलपमेंट, नंबर 2 सोशल डेवलपमेंट, नंबर 3 मेंटल डेवलपमेंट या नंबर 4 अबव ऑल। एरिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल, सोशल, मेंटल। तो इसका आंसर है अबव ऑल। तीनों जो हैं, तीनों सही हैं, सो अबव ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं? नंबर 1 डेवलपमेंट इज ऑर्डरली, नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज डेफिनाइट, नंबर 3 डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस। जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डरली होती है, एक ऑर्डर में, मतलब एक ऑर्डर में या एक सीक्वेंस में होती है। डायरेक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज डेफिनाइट, मतलब जो डायरेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट की वो फिक्स ही रहेगी, वो अलग नहीं होगी। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, डेवलपमेंट जो है होती रहती है, कभी रुकती नहीं है। या अबव ऑल, ये सारे आंसर सही हैं, तो 4th अबव ऑल ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ द बुक एडोलेसेंस इज, किशोरावस्था पुस्तक का लेखक कौन है? जो बुक लिखी गई है एडोलेसेंस, वो किस ऑथर ने लिखी है? नंबर 1 स्टैनले हॉल, नंबर 2 क्रो एंड क्रो, नंबर 3 रोज या नंबर 4 डुए। एडोलेसेंस जो बुक है वो स्टैनली हॉल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एग्रेसिवनेस इज, आक्रामकता का अर्थ क्या है? एग्रेसिवनेस का मतलब क्या है? नंबर 1 वायलेंस, लड़ाई झगड़ा करना, नंबर 2 एंगर, गुस्सा करना, नंबर 3 सेल्फिशनेस, सिर्फ अपने बारे में सोचना या नंबर 4 अबव ऑल। एग्रेसिवनेस का मतलब वायलेंस है, एंगर है और सेल्फिशनेस तीनों ही हैं, तो इसका आंसर है 4 अबव ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के फैक्टर्स क्या हैं? समाजीकरण के कारक क्या हैं?
नंबर वन लैंग्वेज मतलब भाषा, नंबर टू कल्चर संस्कृति, नंबर थ्री सिंपथी सहानुभूति। सोशलाइजेशन के ये तीनों फैक्टर्स हैं, तो आंसर जो है वो है अबव ऑल, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन वन फ्रोबेल, ऑप्शन टू जॉन डुए, ऑप्शन थ्री रोज, या ऑप्शन फोर महात्मा गांधी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक के राइटर जॉन डुए हैं, सो द आंसर इज ऑप्शन टू जॉन डुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्योरीज ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट आर इन योर करिकुलम ऑफ बीएड? बीएड के आपके पाठ्यक्रम में बच्चों के विकास के कितने सिद्धांत हैं? ऑप्शन वन फाइव, ऑप्शन टू थ्री, ऑप्शन थ्री फोर, या ऑप्शन फोर सिक्स। बीएड में सिक्स थ्योरीज ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट हैं, सो द ऑप्शन इज फोर सिक्स थ्योरीज। हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, साइकोसोशल डेवलपमेंट सिद्धांत का समर्थक संस्थापक कौन है? साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी का जो प्रोफाउंडर है वो, उनका नाम है एरिक्सन, सो ऑप्शन टू एरिक्सन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड, व्हेन शी इज गिवन द लैंड राइस शी मिक्सेस राइस एंड दाल एंड स्टार्ट्स ईटिंग, शी हैज़ डैश ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा फॉर डूइंग थिंग्स। सीता ने अपने हाथों से दाल और चावल खाना सीखा है, तो जब सीता को प्लेट दी जाती है तो वो राइस और दाल को मिक्स करके खाना शुरू कर देती है। तो सीता ने अपने स्कीमा में राइस एंड दाल को मिक्स करके खाना फिट कर रखा है, इस चीज़ को हम कहते हैं एसिमिलेटेड। सीता ने अपने स्कीमा में एसिमिलेट किया हुआ है कि उसे दाल और राइस मिक्स करके खाने हैं, सो ऑप्शन नंबर टू एसिमिलेटेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक, बच्चों का स्वभाव कैसा है? ऑप्शन वन इमिटेटिव, ऑप्शन टू कंस्ट्रक्टिव, ऑप्शन थ्री इमेजिनेटिव, या ऑप्शन फोर डिस्ट्रक्टिव। बच्चों का जो नेचर है वो इमिटेटिव होता है, सो ऑप्शन वन इमिटेटिव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो इनमें से सब स्टेटमेंट्स पे लगती है सिवाय किसी एक के, सो अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जिस पे मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं लगती। ऑप्शन वन, इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंस एक सेट ऑफ प्रोसेस है जिसको एक इंसान यूज करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नंबर टू, डिसिप्लिन्स शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वे, डिसिप्लिन को हम काफ़ी सारे वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, काफ़ी सारे तरीकों में दिखा सकते हैं। नंबर थ्री, लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन, लर्निंग जो है लर्निंग को हम काफ़ी सारे मीन्स या तरीकों से इकट्ठा कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं किसी चीज़ को काफ़ी सारे वेज और तरीकों से। नंबर फोर, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध IQ से नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस IQ से रिलेटेड नहीं है, या इमोशनल इंटेलिजेंस IQ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फोर जो है वो इसका सही आंसर है। जो ऑप्शन फोर है उस पे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं लगती, बाकी सब पे लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर प्रतिभाशाली छात्र क्या हैं? नंबर वन, नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, नंबर टू इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स, नंबर थ्री इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, या नंबर फोर इंट्रोवर्ट इन नेचर। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी जजमेंट्स से, अब मतलब अपनी जजमेंट्स में वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सो ऑप्शन टू इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मानव विकास
जो है वो क्या है। ऑप्शन वन क्वांटिटेटिव, ऑप्शन टू क्वालिटेटिव, ऑप्शन थ्री इमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या ऑप्शन फोर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है जिसे हम नंबर्स में गिन सकते हैं या नंबर्स में लिख सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, जिसके वैल्यूज़ या गुण हमें पता लग सकते हैं। इमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि कुछ हद तक ही वो मेजर हो सकता है, या फोर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कि हम उसे काउंट भी गिन भी सकते हैं और हम उसकी वैल्यू का या गुण का पता भी लगा सकते हैं। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है, तो इसका आंसर है फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग बाद के बचपन की श्रेणी में आता है। ऑप्शंस हैं वन 11 टू 18 ईयर्स, ऑप्शन टू 18 टू 24 ईयर्स, ऑप्शन थ्री बर्थ टू 6 ईयर्स, या ऑप्शन फोर 6 टू 11 ईयर्स। लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में जो एज फॉल करती है वो है 6 टू 11 ईयर्स, सो आंसर है आपका फोर 6 टू 11 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता क्या है। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, योग्यता एप्टीट्यूड या एटीट्यूड मनोवृत्ति। हाँ, इंटेलिजेंस जो है वो एक उसी की वजह से हम नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं कहीं, या हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है टू इंटेलिजेंस बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुम लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। किनके अनुसार सीखना व्यवहार से उत्पन्न व्यवहार में कोई प्रतिवर्तन है। ऑप्शंस हैं नंबर वन वुडवर्ड, नंबर टू क्रो एंड क्रो, नंबर थ्री जेपी गुलफोर्ड, या नंबर फोर गेट्स। इसका ऑप्शन नंबर थ्री जेपी गुलफोर्ड इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू जेपी गुलफोर्ड लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का पहला शिक्षक किसे माना जाता है। ऑप्शन वन हेडमास्टर, ऑप्शन टू क्लास टीचर, ऑप्शन थ्री मदर, या ऑप्शन फोर ट्यूटर। एक बच्चे का जो फर्स्ट टीचर या पहला शिक्षक उसकी माँ को माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन थ्री मदर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। निराशा के कारण क्या हैं। नंबर वन फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब भौतिक पर्यावरण, नंबर टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर्थिक समस्या, नंबर थ्री सोशल एनवायरनमेंट सामाजिक वातावरण, या ऑल ऑफ द अबव। फ्रस्ट्रेशन के कॉजेज तीनों हैं, मतलब कि जो फ्रस्ट्रेशन है उसका कॉज फिजिकल एनवायरनमेंट भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, और सोशल एनवायरनमेंट भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन फोर अबव ऑल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत ही जल्द एक वीडियो आने वाली है जिसमें आपको 50 टू 70 क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के। सो स्टे ट्यून्ड।